देखो। हेलो, राम राम दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो उर्वी के जन्मदिन की जो वीडियो मैंने डाल रखी है, पहले की तीन, तो ये है उससे आगे की। तो अगर आपने नहीं देखी पहले वाली, तो तीन पार्ट डाले मैंने, तो वो देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी। तो अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है उससे आगे की। तीसरे पार्ट में मैंने दिखाया था वो सत्संग, और कैसे हरियाणवी सत्संग था, वो था कितना झूमी थी, नाची थी और बड़ी मस्ती दिखाई थी। तो उससे आगे फिर जब कीर्तन वाली चली गई थी, तो फिर हमने खाने की तैयारियां कर ली थी, बर्तन वगैरह साफ करे थे झाड़ू पोछा करके। फिर दोबारा से एकदम से सारा काम बिखर गया था जैसे कि, तो फिर वो सारा सब जल्दी जल्दी निपटा करे। अभी लगी हुई हूँ मैं, फिर बाद में किचन में। टाइम हुआ है 6:30 बज गए होंगे। हाँ, ये तो ये टाइम है 6 बजे का। तो देखो मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी मटर पनीर की। तो अभी प्याज में भून रही हूँ, लहसुन जीरा और खड़े मसाले शुरू में तेल में चटका दिए थे। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालूंगी, क्योंकि मैं मुझे प्योरी पेस्ट बनानी है, और मटर पनीर का जो गाढ़ा गाढ़ा तरी गाढ़ी होती है, इसलिए। तो इसी में मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी ताकि ज़्यादा तीखी ना हो। और इसी में मैं डालूंगी अब टमाटर, इसमें हल्का नमक भी डाला है मैंने, तो टमाटर सारे डाल दूंगी इसमें। तो मैंने दो बार करके करे थे, क्योंकि मैं बनाती थी ज़्यादा खाना, इसीलिए। तो ये दो बार पीसे थे, दो बार फ्राई करके। तो ये हल्का हल्का भूनना, बिल्कुल एकदम से नहीं भूनने ये टमाटर प्याज। तो हल्की हल्की सेक लगानी है, और फिर इनको पीसूंगी मैं मिक्सी के जार में। तो फ्रेंड्स, सब्जी बना रही थी मैं पनीर की, मटर पनीर की, तो लंबी हो जाएगी। तो मटर पनीर की रेसिपी फिर कभी शेयर करूंगी किसी वीडियो में। तो अभी तो फिर सब्जी पूरी 15-20-25 भी हो सकते हैं, इतने आदमियों को खाना बनाना। तो लगे हैं किचन में छोटी बहन के साथ, तो मिलती हूँ खाना बना के, फिर दिखाऊंगी आपको। क्योंकि अभी तो बहुत काम, अगर मैं वीडियो शूट करूँगी तो फिर मेरे से काम नहीं होगा, और काम करूँगी तो फिर वीडियो शूट करने में थोड़ी दिक्कत है, और फिर इतनी लंबी वीडियो, फिर ज़्यादा टाइम लगता है ना ज़्यादा खाना बनाने में। तो फिर बाद में दिखाऊंगी आपको, और उर्वी को बर्थडे मतलब नाइट में सेलिब्रेशन दिखाऊंगी। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं फिर आपसे। कर ली तैयारी, तो अब बना रही हूँ सब्जी। डाली है छाछ आटे में, ये देखिए मोइन डाल दिया, अजवाइन और हल्का सा नमक डाल के अभी बनाएंगे। मैं यहाँ किचन में लग रही हूँ, देखो मस्त भी कर रही हूँ आपके पीछे, ये देखो। ये देखो शैतान है, ये सारे के सारे बहुत शैतान बच्चे हैं, ये देखो। यह भी नाच रही है, यह देख छोटी सी, यहाँ पड़े उसमें सो रही है, वो फूट गया। मेरी सब्जी जल जाएगी पापा। सब्जी कर रही हूँ तैयार। उर्वी देख ना, उर्वी ना देखो। देख देख किसको मिलती है। तो गाइस, शाम का टाइम हो गया है, खाना मेरा तैयार हो गया है,
तो ये देखिए मैं डेकोरेशन दिखा दूँ आपको, और ये केक हमने रख दिया, तो अब करेंगे केक कटिंग। तो ये देखिए केक उर्वी का, तो इसके पापा ये बाद में ले आए थे, तो कल हम ऑर्डर करके आए थे, लेकिन जैसा मैंने सोचा था ना बिल्कुल वैसा केक नहीं बना उन्होंने जैसा दिखाया था, तो इसीलिए बहुत दुख हुआ मुझे। तो ये देखिए जैसा मैं ऑर्डर करके आई थी ना, वो तो देखो डोल भी कैसे लगा रखी है। बाकी ये था, अब उस टाइम जाके दोबारा से हम कुछ दोबारा से ला भी नहीं सकते थे, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम सत्संग भी चला हुआ था और फिर नहीं जा सके चेंज करवाने। तो ये उर्वी क्या करेगी अभी, सबसे पहले जब इसको केक काटने के लिए बोला तो ये उर्वी की ड्रेस लेके आई थी, बताना कैसी लगी। और ये देखो टाइम 8:30 का है, ये पापा के पैरों को छू रही थी उस टाइम, तो टाइम हो गया था 8:30 का टाइम था, तो इसलिए कोई भी बच्चे नहीं आ पाए क्योंकि गांव में जल्दी सो जाते खा पी के, तो सभी खा पी के सो गए थे। और हम Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो हमारे घर पे आए हुए थे मेरी बहन और बहनोइया, यानी कि छोटे जीजा और मेरे भाई बुआ का लड़का, और ये मेरे मामा सरा यानी कि मेरे सास के भाई, इनके मामा और उर्वी के जग्गी दादा, तो वो आ गए थे इसलिए हमने थोड़ा घूंघट कर लिया। तो अभी ये हम खिला रहे हैं आपस में केक, तो प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको उर्वी का केक, उर्वी की बर्थडे ड्रेस जो इसके पापा इसके लिए इन्होंने ही सिलेक्ट की थी, मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में। और ये देखिए ये हैं इन मेरी बहनों, इनके साथ मजाक कर रही हूँ मैं, ये खाले में साले के आता है कद कद खाने मिला है, बड़े से मजाक चला हुआ था हमारा और बड़ी मस्ती की, बहुत इंजॉय किया हमने। तो ये मेरा भाई मेरी बुआ जी का लड़का, और मेरी ननन तो है नहीं तो फुफस है यानी कि बुआ जी, इनकी जखवा दे के जी मेरी बुआ जी मेरी फुफस, तो वो नहीं आ पाई, तो उनको मोस का निकालनी थी रोटी इसीलिए नहीं तो बुला रखा था। एक और मेरे ससुर की धर्मबान की बेटी है उनको भी, लेकिन उनको शादी में जाना था इसीलिए, तो अभी हम उर्वी को केक खिला रहे हैं। ये देखो उर्वी के मामा और मौसी, और ये देखो इसको केक से एकदम लाद रहे हैं, लेकिन मैं मना कर रही हूँ मत 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 ऐसे करो, तो ये दे रहे थे। और उर्वी के मामू ने इनके लिए लेके आई है साइकिल, तो उर्वी के मामू ने साइकिल गिफ्ट किया है, उर्वी के जग्गी दादा यानी कि मेरे मामा सरा उर्वी के लिए बड़ा सा टैडी लेके आए हैं, उर्वी की मासी और मौसा जी ड्रेस लेके आए हैं, और वैसे सभी ने अपना तो कैश गिफ्ट दे दिया करो बच्चों को, माँ बाप यूज कर लेते हैं। दूसरा गाल पे ना लाइए, दूसरा पे ना लाइए, दूसरा पे ना लाइए, लगा दिया ठीक है।
ये जोकर क्यों बना दिया भैया उर्वी को, जोकर क्यों बना दिया? मेरा तो फोन भी केक खा रहा है, सारा केक फोटो नहीं वीडियो बाबा जी, फोटो को नहीं। थोड़ी सी खा ले उर्वी, थोड़ा सा खा रही है मामा जी, जाता नहीं रो रो।